बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 13 ने DRP के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इस बार शो की सबसे खास बात ये है कि सभी खिलाड़ी स्ट्रांग हैं और दमदार गेम खेल रहे हैं। वहीं अब बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स की एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें उनकी फीस की जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक किसे कितनी फीस मिल रही है। लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फीस टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई को मिल रही है, उन्हें 15 लाख फीस दी जा रही है। वहीं दूसरे नंबर पर है देवोलीना भट्टाचार्य जी, उन्हें रियलिटी शो के लिए 12 लाख रुपए मिलने की खबर है। इन दिनों वह बैक इंजरी की वजह से शो से बाहर है। सीजन 13 के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला को 9 लाख फीस देने की रिपोर्ट है। जी हाँ, खबर ये भी है कि शो के एक्सटेंशन से शुक्ला खुश नहीं थे। बाद में मेकर्स ने सिद्धार्थ की फीस में बढ़ोतरी कर उन्हें शो में रुकने के लिए मनाया है। विशाल आदित्य सिंह और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड शो में खास कमाल नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ, विशाल को 8 लाख और मधुरिमा को 5 लाख फीस दी जा रही है। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला को बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए 7.5 लाख रुपए फीस मिल रही है। शेफाली शुरुआत में स्ट्रांग दिखी थी लेकिन अब उनकी गेम कमजोर पड़ गई है। तो चलिए बात करते हैं शो की ड्रामा क्वीन यानी पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल की। शहनाज गिल सबकी फेवरेट बनी हुई है। पहले उनकी पहचान सिर्फ पंजाब तक थी मगर अब उन्हें पूरा देश जानता है। शहनाज गिल को 4.5 लाख फीस मिलने की खबर है। बिग बॉस में गायब चल रही आरती सिंह को 1.3 लाख फीस मिल रही है। वहीं अरान खान ने बिग बॉस में फिर से एंट्री की है। इन दिनों उनका रश्मि देसाई संग रिलेशनशिप चर्चा में है तो बिग बॉस में उन्हें 1.2 लाख फीस मिल रही है। वहीं बात करें शेफाली बग्गा की तो उनको 1 लाख फीस मिल रही है। शेफाली पहले पड़ाव में शो से आउट हो गई थी, पिछले दिनों उनकी शो में फिर से वापसी हुई है। टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा को 90,000 फीस मिल रही है। पहले पड़ाव के बाद से माहिरा की गेम स्ट्रांग हुई है। माहिरा की पारस संग दोस्ती लोगों को पसंद आ रही है। वहीं पारस छाबड़ा को बिग बॉस मेकर्स 65,000 रुपए फीस दे रहे हैं। पारस की टेढ़ी प्लानिंग और स्ट्रेटजी लोगों को एंटरटेन भी कर रही है। इस लिस्ट में सबसे कम फीस आसिम रियाज को मिल रही है, उन्हें 60,000 फीस दी जा रही है। मालूम हो कि बिग बॉस में आने से पहले आसिम पॉपुलर फेस नहीं थे मगर अब वे सभी के चहेते बने हुए हैं। बिग बॉस के इस टेढ़ी सीजन से जुड़ी और भी कई टेढ़ी न्यूज जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।